हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक गम्स की, जो मसूड़े हमारे काले हो जाते हैं उनके बारे में हम समझेंगे कि किन कारणों से ब्लैक गम्स की प्रॉब्लम होती है। पहले अगर पिंक थे और अब ब्लैक होने लगे हैं तो किन कारणों से ये हो सकते हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होगा। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर ही क्लियर कर देता हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि इस वीडियो में कोई होम रेमेडीज़ है तो होम रेमेडी इस वीडियो में नहीं है। आगे हम समझ लेंगे, अगर आप कमेंट करेंगे तो आगे हम होम रेमेडीज़ भी समझ लेंगे और सारा कुछ इंक्लूड करते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और हमें पता होना चाहिए, जैसे हम बहुत सारे वीडियो में हमने और भी डिसीज़ के बारे में समझा है, तो पहले जो प्रॉब्लम हमें है उसके बारे में हम अवेयर हों, हमें पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है। हो सकता है हम ट्रीटमेंट करा रहे हैं लेकिन कॉज नहीं हटा रहे, किस कारण से हो रहा है वो नहीं हटा रहे, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किन कारण से हो रहा है, किस हमें किस कारण से यह है। तो इसमें हम समझेंगे कारण और इसका ट्रीटमेंट ब्लैक गम्स का। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करना है आपको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में। चलिए समझते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। ब्लैक गम्स होने का पहला कारण हो सकता है मेलेनिन पिगमेंट, जो हमारे हेयर्स हैं, जो हमारे बाल हैं, स्किन है, या फिर जो हमारी आंखें हैं, आईज हैं, इनका जो ब्लैक कलर होता है अगर ये ज़्यादा डार्क है तो ये होता है मेलेनिन पिगमेंट के कारण। तो अगर मेलेनिन हमारी बॉडी में ज़्यादा है इससे गम्स ब्लैक होने लगते हैं या ब्लैक होते हैं। अब एक बात आपको यहाँ पर समझनी है, अगर नेचुरली आपके गम्स पहले से ही ब्लैक हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लैक गम्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी गम्स होने चाहिए आपके। हाँ, अगर पहले पिंक थे, हेल्दी थे और अब उनका कारण किसी कारण से चेंज हो रहा है, कलर ब्लैक हो रहे हैं, तो उनका ट्रीटमेंट होता है, वो ठीक हो जाते हैं। अगर नेचुरली ब्लैक हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला है मेलेनिन पिगमेंट के कारण, अगर मेलेनिन ज़्यादा हो जाता है बॉडी में या पहले से ही ज़्यादा है, किसी की बॉडी में ज़्यादा होता है तो ब्लैक गम्स होते हैं। दूसरा कारण है ब्लैक गम्स का टोबैको प्रोडक्ट्स और स्पेशली स्मोकिंग, जो स्मोकर्स होते हैं। जैसे हमने अभी समझा कि मेलेनिन पिगमेंट ज़्यादा होने के कारण होता है, तो इसमें भी मेलेनिन के सिक्रेशन को बढ़ाता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, मेलेनिन को ज़्यादा करता है। मेलेनिन बनता है मेलानोसाइट्स से, मेलानोसाइट्स होते हैं जो मेलेनिन को बनाते हैं, और जो टोबैको में निकोटीन होता है ये ऐसा आप समझ सकते हैं कि प्रोमोट करता है मेलानोसाइट्स को मेलेनिन बनाने के लिए। तो टोबैको प्रोडक्ट से और स्पेशली स्मोकिंग से भी ब्लैक गम्स होने की प्रॉब्लम होती है, इसको हम बोलते हैं स्मोकर्स मेलेनोसिस। तो अगर स्मोकिंग आप कर रहे हैं या फिर टोबैको प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जो दबा कर रखते हैं, एक जगह दबा कर रखने की आदत होती है तंबाकू को, इससे भी ब्लैक गम्स का प्रॉब्लम आपको होता है। थर्ड है गम इन्फेक्शन, मसूड़ों का किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन आपको हो रहा है, अगर पुअर ओरल हाइजीन, अच्छे से हम क्लीन नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, इसके कारण इन्फेक्शन हो रहा है, या फिर किसी टूथ में इन्फेक्शन है उसके कारण हमारे गम्स में इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी ब्लैक गम्स होने की प्रॉब्लम होती है। और कई बार पस डिस्चार्ज भी होने लगता है, आपने देखा होगा बॉयल जैसा बन जाता है और उससे पस डिस्चार्ज होता है। तो अगर इन्फेक्शियस है गम्स या फिर स्वेलिंग है इनमें, ब्लीडिंग होती है आपके गम्स में नॉर्मली ब्रश करते हुए, तो भी जो कलर है गम्स का वो चेंज होने लगता है, ब्लैक गम्स होने लगते हैं। अब जो नेक्स्ट कारण है वो फिलिंग के कारण हो जाता है, जो सिल्वर अमलगम की फिलिंग की जाती है और पहले ज़्यादा की जाती थी, आपने सुना होगा चांदी का मसाला जो भरना जिसको बोलते हैं, तो इसमें अमलगम होता है, सिल्वर अमलगम इसको हम बोलते हैं। तो इसके कारण भी अगर ये ज़्यादा हो जाए या एक्सपोज हो जाए तो जो आपके चीक्स हैं, मसूड़े हैं और जो आपके गाल हैं उनमें पिगमेंट्स बनने लगते हैं, इसको हम बोलते हैं अमलगम टैटू। तो अमलगम टैटू के कारण भी जो आपके गम्स हैं वो ब्लैक होने लगते हैं, चीक्स जो है वो ब्लैक होने लगते हैं। और ट्रीटमेंट अभी हम आगे इसका समझते हैं। जनरली जो अमलगम टैटू है इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता क्योंकि ये हार्मफुल नहीं होता, आगे हम समझते हैं। और नेक्स्ट है एक डिसीज़ होती है एडिसन्स डिसीज़, जिसमें जो एड्रिनल ग्लैंड्स होती है वो हार्मोन्स का सिक्रीशन कम कर देती है। तो एडिसन्स डिसीज़ होने पर भी ब्लैक गम्स होने की प्रॉब्लम होती है, इसमें जो पिगमेंट्स है वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं, इसको बोलते हैं हाइपर पिगमेंटेशन। तो हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, पिगमेंट्स ज़्यादा होते हैं और जो गम्स हैं वो ब्लैक अपीयर होने लगते हैं।
तो एडिसन डिसीज के कारण भी ब्लैक गम्स की प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक और कारण होता है ब्लैक गम्स का, वो है मेडिकेशन। अगर किसी भी प्रकार की मेडिसिन आप ले रहे हैं, कंटिन्यू काफ़ी समय से ले रहे हैं और आपके गम्स पिंक से ब्लैक हो रहे हैं, तो आपको नोटिस करना है और आपके डॉक्टर से आपको पूछना है कि इन मेडिसिन के कारण हमें गम्स का प्रॉब्लम हो रहा है क्या, या फिर जो गम ब्लैक हो रहे हैं क्या इन मेडिसिन के कारण है। तो मेडिकेशन, कंटिन्यूस मेडिकेशन से भी ब्लैक गम्स की प्रॉब्लम होती है, जो सॉल्व हो जाती है अगर मेडिसिन लेना बंद कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है तो। तो ये है कुछ कारण मसूड़ों के काले होने के, ब्लैक गम्स के। अब इनका ट्रीटमेंट समझते हैं, ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हमें कॉजेस पहले पता होने चाहिए, तो कॉजेस के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर ऐसे ही हम ट्रीटमेंट करते रहेंगे और कॉजेस नहीं हटाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं जाता है। तो ट्रीटमेंट भी इसका ऐसे ही दिया जाता है। सबसे पहले अगर कोई कॉज है, जैसे टोबैको है, स्मोकिंग करते हैं, अगर इसको आप हटा देंगे तो धीरे धीरे आपके जो गम्स हैं वो वापस से पिंक होने लगेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा पहले भी, अभी फिर से मैं कहता हूँ कि जो ब्लैक गम्स अगर नेचुरली आपके हैं, पहले से ही हैं, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके गम्स हेल्दी होने ज़रूरी है। चलिए, और इसका क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, पहले तो कोई कॉज है तो वो हटा देते हैं। इसके बाद अगर मेडिकेशन से हो रहा है, तो अभी जैसे हमने कहा, मेडिकेशन को बंद करने से भी धीरे धीरे आपके जो गम्स हैं वापस पहले जैसे होने लगते हैं, पिंक होने लगते हैं। अब और कॉज से ही हम ट्रीटमेंट अगर समझें, तो जो अमलगम टैटू, जो फिलिंग के कारण होता है, अगर हम उस फिलिंग को चेंज कर दें, अगर अमलगम के कारण हो रहा है तो उस फिलिंग को रिमूव कराकर हम टूथ कलर्ड फिलिंग करा लें, तो भी धीरे धीरे जो अमलगम टैटू है, जो ब्लैक गम्स हुआ है, जो चीक है, गाल है, उनमें ब्लैक हुआ है, ये धीरे धीरे ठीक होता जाएगा। इसके बाद ब्लैक गम्स का एक ट्रीटमेंट होता है गम ब्लीचिंग। जो गम्स हैं उनको ब्लीच किया जाता है माइल्ड ब्लीच से, और ये जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वही कर सकते हैं, क्योंकि गम्स को ब्लीच करने के लिए एक स्पेशल क्वांटिटी का जो ब्लीच है वो यूज़ करना पड़ता है, नहीं तो गम्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बॉयल्स हो सकते हैं। तो गम ब्लीचिंग भी एक ट्रीटमेंट है, जिससे कि जो आपके ब्लैक गम्स है उनको पिंक किया जा सकता है। इसके बाद और ट्रीटमेंट होता है, जो अगर किसी डिसीज़ के कारण है तो उनका ट्रीटमेंट करके, उनका मेडिकेशन करके, गम डिसऑर्डर कोई है, गम्स की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको अगर हम हेल्दी रखना शुरू कर देंगे, उनका हम ट्रीटमेंट करा लेंगे, किसी टूथ के कारण इन्फेक्शन है और उससे गम्स में प्रॉब्लम है, उसको हम ट्रीट अगर कर लेंगे, तो भी जो ब्लैक गम की प्रॉब्लम है वो ठीक होने लगती है। तो ये कुछ कॉजेज हैं और उनके ट्रीटमेंट है, ऐसे ट्रीटमेंट किया जाता है। आगे और वीडियो समझेंगे जिसमें हम आपको होम रेमेडीज़ भी बताएंगे, जैसे काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा, जो ब्लैक गम्स की आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक होगी। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, शेयर कर देना है अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएंगे किन टॉपिक पर और वीडियोस आप देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। चलिए, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।